दोस्तों आप देख ही लगते हैं कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से बीच। तो दोस्तों इस वक्त मैं बिल्कुल समुद्र के बीच में खड़ा हुआ हूँ। तो पोहा पब नहाने जा रहे हैं मस्त। टावल और कपड़े एक्स्ट्रा नहीं थे तो मैंने यहाँ से अपने आप को पहुँची। गहरा कट लग गया है और अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि जो मेरा जख्म था काफ़ी गहरा हो गया। हम बिल्कुल नाले के पास पहुँच गए हैं। वाटर क्रॉसिंग, बाय बाय वाटर क्रॉसिंग। अहमदाबाद तक पहुँच ही गए। तो जय हिंद दोस्तों, आज है डेट 10 अप्रैल 2022 और आज हम पहली बार नंदगांव बीच जा रहे हैं, जो हमने पिछले संडे भी जाने का प्रोग्राम बनाया था पर हम आज जा नहीं पाए थे। तो हम आज जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा निकले, हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। हाँ, और आज अर्श ने सैंडल भी खरीद लिए जैसे आप देख ही लगते हैं, पहले वो लाया नहीं था। आज हम पूरे बीच में मस्ती करेंगे और उसे एक्सप्लोर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख ही सकते हैं हम दोबारा बोईसर की मार्केट में पहुंच चुके हैं और अब हम यहां पे अपना नाश्ता करेंगे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हम ब्रजवासी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर हम आज का अपना नाश्ता करेंगे। काफ़ी बढ़िया जगह है। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है। दोस्तों ये आ गई नंदगांव बीच के एंट्रेंस। अच्छा आप देख ही सकते हैं नंदगांव चौपाटी लिखा हुआ है। यहाँ आ गया, आपको समुद्र भी थोड़ा थोड़ा दिख ही रहा है। अभी दिखना तो शुरू हो गया है। बहुत आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ से बीच। वाह 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 वाह, कितना प्यारा है। मज़ा ही आ गया। बहुत कम मैंने ऐसे बीच देखे हैं जिनके आसपास इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हों। इससे पहले मैं अंडमान निकोबार भी गया था, अभी खैर वहाँ पर भी थे पर काफ़ी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों इस वक्त मैं बिल्कुल समुद्र के बीच में खड़ा हुआ हूँ और ये काफ़ी बड़ी लहर आई और ये आप देख सकते हैं अर्श काफ़ी दूर खड़ा है, वो ज़्यादा अंदर नहीं आ रहा। और अब यहाँ पर काफ़ी ऊँची ऊँची लहरें आनी शुरू हो गई, जैसे कि आप देख ही सकते हैं बहुत मज़ा आ रहा है। मैं सोच के आया था कि जैसे इतनी फेमस नहीं है तो काफ़ी गहरी बीच होगी जिससे ज़्यादा लोग आगे नहीं जा सकते होंगे, पर जैसे आप देख ही सकते हैं मैं काफ़ी अंदर तक आ गया हूँ और यहाँ की डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं है तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर आकर नहा भी सकते हैं जैसे बीचेस पे होता ही है। हम आज नहीं लाए थे, अगले संडे हम चिचलानी बीच जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, वो भी ऐसी ही होगी तो वहाँ पर हम ज़रूर नहाएंगे। तो पोहा पब नहाने जा रहे हैं मस्त। अच्छा तू भी आ जा। नहीं यार तू नहा मस्त, मुझे गीले होना पसंद नहीं। हाइड्रोफोबिया पर मुझे नहीं है। हाइड्रोफोबिया नहीं, मुझे गीला होना पसंद नहीं, नहाते टाइम हो सकता हूँ। मैं जाऊंगा मजे कर वहां पे, तेरे जलपरिया भेज रहा हूँ। आके आ गया हूँ, अर्श ने मेरी पूरी सवार की वीडियोग्राफी करी है और मेरे पास कोई टावल और कपड़े एक्स्ट्रा नहीं थे तो मैंने यहाँ से अपने आप को पहुँच लिया और दोबारा पहन ली ब्राउन। और आगे अगले बार जब हम जाएंगे चिंचलानी बीच, वहाँ पर हम सारे सारा प्रबंध करके जाएंगे। 200 मीटर करीब अंदर चला गया था, मेरे कानों तक पानी आ गया था और मतलब काफ़ी अच्छी बीच है, मतलब बहुत मज़ा आया। अब इसके बाद हम रिव्यूज़ पे ना जाए, रिव्यूज़ में कहता था अच्छा नहीं नहाने लगती है मगर है। और हाँ एक मैं ट्रिप दूंगा धीरे धीरे, यहाँ पे क्या कहते हैं पत्थर वत्थर से पैर वैर कट सकते हैं, जैसे मेरा ये कट गया देखिए नहीं रहा पूरा कट गया, काफ़ी सारा कट गया। खैर बड़े बड़े देशों में तो छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कट लगते ही रहते हैं। बीच को अलविदा कहते हुए हम दो युवा नौजवान इंटर्नशिप से छुट्टी लेकर यहाँ अपनी छुट्टी बिताने संडे। दोस्तों अभी हम चाइनीज़ सेंटर में हैं, यहाँ पर हमने वेज
मंचूरियन नूडल्स ऑर्डर करें, एक ही करा है, हम आज़ादा खाएंगे। और अब आप यहाँ पर खाना बनाना भी कर सकते हैं, और भी कई सारे ढाबे हैं, आप यहाँ आएँ तो यहाँ पर खाने पीने की कोई चिंता नहीं है, सब हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, मेरा पूरा पैर कट गया था, अब मैं पट्टी और दवाई लेने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ से मिल जाएगी, मिल ही जाएगी। फिर आज खैर दुनिया में ये संतुलन बना रहता है, जब मज़े आते हैं तो उसके सजे भी थोड़े थोड़े होते ही हैं, तो इसलिए आप तैयार रहिए, जितना बोओगे उतना पाओगे, जितना मज़े करोगे उतना ही, मतलब ज़िंदगी न्यूट्रल रहती है। तो हम अपने गेस्ट हाउस में पहुँच ही चुके हैं, अब देख ही सकते हैं काफ़ी गहरा कट लग गया है, पर चलो अब क्या कर सकते हैं, पट्टी वट्टी लेकर आ गए हैं, यहाँ पे पट्टी करेंगे मस्त, और पट्टी करके मस्त सो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख ही सकते हैं, मैंने पूरी पट्टी अच्छी तरह कर ली है। तो दोस्तों आज का सफ़र बस इतना ही है, अब हम आराम से मस्त सोएंगे। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें। और आपको नंदगांव बीच कैसे लिखी कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और बस इसी विचार के साथ मैं अब विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद। तो टाइम हो गया शाम के 7:30, और अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा ज़ख्म था काफ़ी गहरा हो गया था, और टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना है क्योंकि पापा ने कहा है। अब यहाँ ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है हॉस्पिटल वगैरह, बस इंजेक्शन लगाएंगे, घर आएंगे, खाना वाना खाएंगे, आज के लिए बस यही करना है। तो दोस्तों फाइनली मैं अब हॉस्पिटल से आ गया हूँ, मेरे इंजेक्शन भी लग गया है, ड्रेसिंग भी हो गई, एंटीबायोटिक्स भी दे दिए हैं, और एक आध पेन किलर भी दे दिए है, वहाँ देखूँगा खानी है नहीं खानी, पेन किलर का तो इतना कुछ खाने का वो नहीं बनता। अब फाइनली अब मैं घर जा रहा हूँ, घर जाके खाना वाना खा के, दवाई खा के आराम से सो जाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।